आज एक तरफ कांग्रेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और तमाम लोकल लीडर्स गुलबर्गा में सिद्धरामैया के सपोर्ट में एहतजाज कर रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए भटक रही थी। इस खातून का नाम फातिमा पटेल है जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कुछ दिन पहले हमनाबाद बेस के करीब लेडी ट्रैफिक PSI सुमंगला सड़क पर व्हीकल पकड़ कर एक शख्स की पिटाई कर रही थी। फातिमा पटेल कांग्रेस कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जुल्म के खिलाफ ट्रैफिक PSI का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ट्रैफिक PSI सुमंगला ने फातिमा पटेल को वीडियो रिकॉर्ड करता देख इनका बीच सड़क पर गिरेबान पकड़कर बदसलूकी करते हुए इनको लोगों के सामने बेइज्जत किया है। ट्रैफिक PSI सुमंगला का लोगों के साथ बुरा बर्ताव पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी कई बार ये गरीब कारोबारियों पर जुल्म करते और लोगों की पिटाई करते देखी गई हैं। फातिमा पटेल ने कहा इनके साथ हुए जुल्म के बाद ये लगातार कांग्रेस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के घर पर और पार्टी ऑफिस जाकर ट्रैफिक PSI की शिकायत की पर इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। फिर शहर के जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से फातिमा पटेल ने मदद की तलब की तो जनता परिवार की पूरी टीम ने ट्रैफिक DCP प्रवीण नायक सर से PSI सुमंगला की गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। इस मौके पर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से शिरा शाब्दी एंड टीम और कांग्रेस कार्यकर्ता फातिमा पटेल ने डिटेल बताते हुए कहा कांग्रेस MLA और दीगर लोकल लीडर सिद्धरामैया को खुश करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं पर फातिमा पटेल के साथ हुए जुल्म के खिलाफ कोई आगे नहीं आया। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फातिमा पटेल पर हुए जुल्म के खिलाफ दी गई शिकायत पर ट्रैफिक DCP प्रवीण नायक ने कंप्लेंट दर्ज कर PSI सुमंगला के खिलाफ नोटिस जारी की है। PSI ने मेरे साथ में जो जुल्म की मैं चौक पॉलिटिशियन से अमनाबाद बेस पे जा रही थी और एक जो बाइक वाले को जो पकड़ के जो पीट रही थी और ने मैं उसको ऑटो में बैठ के इडियो करी वो इडियो करे उसको क्या है कोई दूसरे कोई बताए उसको कोई मैडम तुम्हारा इडियो कर ले रहे बल्कि ऐसा बताए तो वो आके उनको छोड़ के मेरे को आके पकड़ के मैडम तू कौन है तू कहीं इडियो कर ले रही बल्कि पूछे तो मैं बोली हाँ तू देख भाई तू ऐसा करना गलत है तेरा ये तू मारना गलत है तू करना नहीं बोले तो मेरे वो आंग पे क्या है वेल पकड़ी दबा के पकड़ के मेरे को झटका झटकी करी और बोली क्या तू पी बोल के मेरे को ऐसी एग्जाम ढुलाई और मेरे साथ में हुआ जो ये मसला हुआ जो मेरे साथ में एक औरत बेटी मेरी जो औरत बेटी पे मेरे हुआ दूसरी औरत बेटी पे ऐसा होना नहीं चाहिए तो भी मैं एक सोशल वर्क हूँ मैं जहाँ भी हुआ तो उसमें शामिल होती मैं जाती जो भी अच्छा काम के लिए मैं उधर जाके गया ठहर के जो भी मसला मैं हल करके आने वाली लड़की हूँ आज मेरे साथ में जो हो रहा तो मेरे को मेरे साथ में जो हुआ आज किसकी भी औरत बेटी के साथ होना नहीं चाहिए आज मेरे साथ में हुआ बल्कि मैं कॉपी भी दी थी 5:31 को हुआ सो 7 बजे हुआ सो ये घटना हुई सो है और क्या है मेरे को नहीं भी हुए एक्शन लिए बाद में मैं साहब लोग के पास आना पड़ा मेरे टीम लोग के पास आना पड़ा और वो लोग मेरे को हिम्मत दिए तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं हम जल्द से जल्द तुम्हारे पे क्या है हम आते साथ में आके क्या है उसके बगैर मैं एक्शन लेते बल्कि क्या मेरे उन्होंने पूरी हिम्मत दिए आज उनके दुआ से मैं बच गए सो हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ उनकी सबके लिए भी मैं दुआ करती हूँ और क्या मुझे जो हुआ तकलीफ दूसरे को नहीं होना चाहिए और साहब के पास मैं आई साहब इमीडिएटली एक्शन भी ले तू माँ बोल को क्या मुझे बोले उसको क्या है मैं इनको शुक्र अदा करना चाहती हूँ। एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज है गुलबर्गा के मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा के तकरीबन लोग इनको जो पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट रखते हैं लोग इनको जानते हैं। ये एक कांग्रेस के एक बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर जो गरीबों के लिए मुस्तहिक लोगों के लिए हमेशा स्टैंड लेते आए हैं मगर आज सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो पॉलिटिकल लीडर जो गरीब मुस्तहिक के लिए ठहरते थे आज इनके साथ ऐसा हादसा पेश आया जहाँ पर एक PSI जो गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो आए दिन नज़र आ रहा हम लोगों को कि लोगों को पकड़ना अगर वो लोग पैसे नहीं दिए कुछ नहीं दिए तो उनके ऊपर हाथ उठाना ये लॉ एंड ऑर्डर देखिए कैसा लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक के लिए बनी हुई है डिपार्टमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनी ये चीज़ के लिए तो इसको पकड़ में करने के लिए जो फातिमा जी क्या करे जब वो एक हाथ वो जब आदमी के ऊपर जब हाथ उठा रहे थे PSI लेडी PSI तो वीडियो बनाए वीडियो बनाने के बाद इनको वीडियो बनाए से देखकर इनके ऊपर एक्शन लिए एक्शन क्या लेना इनको मारना इनके ऊपर हाथ उठाना इनका मोबाइल को फोड़ा गया पूरे पब्लिक के सामने मैं आप वो वीडियो भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से पब्लिक के सामने मारना और उनका गिरेबान पकड़ना। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट खैर इन्होंने कांग्रेस पार्टी से होंगे वो हमारे लिए मायने नहीं था हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है एक औरत की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट करती औरत का गुरूर बहुत इंपॉर्टेंट करता ऐसी औरत जो लोगों के लिए थरती आज उसका अगर गिरेबान पकड़ कर रोड पर खींचा जाता तो ये बड़ी शर्म की बात है ये इंसानियत के लिए शर्म की बात है। अभी अभी वहाँ पर देखिए आप जहाँ हम यहाँ पर है वहाँ पर वी स्टैंड फॉर चीफ मिनिस्टर बोलकर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे ये भी इंपॉर्टेंट है ना आज चीफ मिनिस्टर बने MLA बने तो ऐसे लोगों की वजह से बने और ऐसे लोगों को आप इंपॉर्टेंट नहीं देते आप। और एक एग्जांपल है अफजलपुर में एक डाई हार्ट कार्यकर्ता जो अफजलपुर में कांग्रेस को जिताने के लिए कोशिश कर रहा उसका खून हुआ आज तक उसके घर पर कोई नहीं गए कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया कोई कंपनसेशन नहीं दिलाया उसको तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि देखिए इन 4 मिनिस्ट्री है हमारे पास गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 4 मिनिस्ट्री
और 7 MLA, 27 कॉरपोरेटर, डिप्टी मेयर भी हमारा, मेयर भी हमारा, MLC भी हमारे, सरकार भी हमारी, हर चीज़ हमारी, फिर भी कार्यकर्ता परेशान है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उन्होंने जाने के बाद उनको टाइम तक नहीं दिया जा रहा और बोलते हैं कि आप इन्हें लेटर लिख जाके सबमिट कर दो। अरे लेटर सबमिट करने के बाद आप फ़ोन करके कम्युनिकेट कर एक्शन कराना। बहरहाल हम लोग यहाँ पर आए, जनता परिवार की सारी टीम आई, हमारी बहन के साथ आई, हम लोग यहाँ पर आए। प्रवीण सर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी के हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई एंड ही कोऑपरेटेड अस वेरी वेरी परफेक्टली। इतना अच्छा बात करे और इमीडिएटली वो नोटिस भी जारी करे और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन करने का भी हमको आश्वासन दिए। इनके साथ ट्रैफिक PSI गलत सलूक करे थे, तो उस सिलसिले में तो इन्हों बहुत डिस्टर्बेंस होके अपने आप को ये नहीं कर रहे थे, तो हम लोग JP परिवार महिला टीम मिलके इनको सपोर्ट करके यहाँ कमिश्नर ऑफिस में इसलिए आए हैं कि वो जो गलत करे हैं PSI उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होना, क्योंकि PSI होके ही इस तरीके के कानून को हाथ में लेकर अपनी मनमानी करे तो नहीं चलता यहाँ पर। और यहाँ पर हम कमिश्नर सर के पास आकर यहाँ प्रवीण सर से मिले, बात करे और उन्होंने जल्द से जल्द एक्शन लेने के हमारे को आश्वासन दिए हैं। और यहाँ पर आने के बाद एक बात मालूम हुई कि जो भी हमारे महिला जो भी हैं लेडीज़ यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस को आना और कंप्लेंट देने से बहुत डरते हैं। इनके साथ जो हादसा हुआ, आपके साथ भी कुछ भी अगर गलत दिख रहा है, गलत हादसा हुआ है, तो आप क्या करना हुआ? हो सकता है अगर हुआ भी तो आप सीधा यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस को आकर बिना डरे बिना हिचकिचाए अपनी जो भी बात है यहाँ पर रख सकते हैं। जो गुलबर्गा में सोशल वर्कर है कांग्रेस पार्टी से और बहुत सारे सोशल एक्टिविटी पे जो है ना वो आज तक काम करते हुए आए हैं, जैसा कि बताए उन्होंने कि कहीं जा रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस जो PSI है चौक पुलिस स्टेशन के, वो जो है ना जुल्म कर रहे थे, किसी और को जो है ना दंडों से पीट रहे थे, तो इन्होंने जो है ना अपने मोबाइल से जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे, तो वो PSI मैडम जो है ना आकर इनके गिरीबान पर जो है ना हाथ डालकर जो है ना इनको बीच चौराहे पे जो है ना बहुत जलील किया। इस वजह से जो है ना ये बहुत जगह कंप्लेंट दिए और काफ़ी पॉलिटिकल लेवल को भी जो है ना ये बात बताए, तो उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो जब ये हमारे वुमेन विंग से जब कॉन्टेक्ट किए तो हम जनता परिवार वाले मिलकर जो है ना इस पर जो है ना एक मीटिंग कर जो है ना डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक जो गुलबर्गा है उनसे जो है ना हम लोग मुलाकात करने के लिए आए। यहाँ पर मुलाकात करने के बाद जो है ना हमको पता चला कि हमारे पास आज भी कुछ इतने काबिल ऑफिसर्स है जो सच और झूठ का पता लगाकर तुरंत एक्शन लेने वाले है। हमने जो है ना जब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस सर्कल साहब के पास आकर बैठे डिस्ट्रिक्ट, तो उन्होंने जो है ना इसकी हर चीज़ की जांच पड़ताल कर जो है ना तुरंत एक्शन लेने का जो है ना डिसीज़न दिया गया है। और जो नॉर्थ के DSP इंचार्ज ट्रैफिक चंद्रशेखर साहब है उनको जो है ना ये ऑर्डर किया गया कि तुरंत ये जो कार्रवाई है इमिडिएटली जो है ना इस पर एक्शन लेना चाहिए। और अभी जो है ना हमको आज एक ही घंटे में जो है ना इसका रिएक्शन भी देखने के लिए मिला है, इसीलिए जो है ना हमारी बहन जो है रिकॉर्ड कर रही हैं, तो उन्होंने इनके साथ हाथापाई की, इनके साथ मारपीट की और उल्टा इन पर इल्ज़ाम लगाए कि तुम पिए हुए हैं, चलो तुम झगड़ा कर रहे हो रोड पर, और उनको पुलिस स्टेशन ले गए और अननेसेसरी हरेशमेंट किया। इसके बाद हमारी बहन ने कई जगहों पर अपील की, कई जगहों पर पहुँच की कि इस पर एक्शन लिया जाए, बट आज तकरीबन 15-18 दिन हो गए और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हमारी जो टीम है जनता परिवार की, हम लोग आए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट देने के लिए कि इस इशू में एक जल्द से जल्द कार्रवाई कर एक सलूशन दिया जाए और पब्लिक का जो लॉ एंड ऑर्डर में फेथ है वो वापस रखा जाए और जो मैडम ने ऐसा किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।